नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की नई भर्ती के बारे में। ये बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल तथा फीमेल दोनों दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपका सपना है रक्षा मंत्रालय में काम करने का, सरकारी नौकरी करने का, भारत सरकार की नौकरी करने का, और यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आज की भर्ती के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इस भर्ती के लिए आज की डेट से ही अप्लाई होना शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे बता दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की सीधी भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती में सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी, सरकारी सैलरी मिलेगी आपको। और आपका सैलरी का जो लेवल होगा, लेवल 1 से लेके लेवल 3 की आपको सैलरी दी जाएगी पोस्ट वाइज। दोस्तों फीस की बात करें तो इस भर्ती में आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस का पेमेंट नहीं करना। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो दोस्तों इस भर्ती में आपका एग्जामिनेशन तथा स्किल टेस्ट के बेसिस पे दोस्तों सिलेक्शन किया जाएगा। इसका डिटेल मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप अपनी अप्लीकेशन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डनरी पोस्ट से भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं किस भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती हो रही है। तो दोस्तों इसमें भर्ती हो रही है लोअर डिवीजन क्लर्क की, MTS चौकीदार की, सिविलियन मोटर ड्राइवर की, फायर इंजन ड्राइवर की, क्लीनर की, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर की, ट्रेड्समैन मेट की, टिन स्मिथ की, व्हीकल मैकेनिक की, बार्बर यानी कि नाई की, कुक की, पेंटर की तथा कार पेंटर की। दोस्तों जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं वो अप्लाई कर पाएंगे MTS चौकीदार की पोस्ट के लिए, टिन स्मिथ की पोस्ट के लिए, बार्बर की पोस्ट के लिए, पेंटर की पोस्ट के लिए, कारपेंटर की पोस्ट के लिए, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए तथा क्लीनर की पोस्ट के लिए। और दोस्तों जो कैंडिडेट 12वीं पास हैं और उनको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो वे अप्लाई कर पाएंगे LDC की पोस्ट के लिए। जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है या ITI है दोस्तों, या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा दोस्तों रेलेवेंट डिसिप्लिन में, तो ये अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इस भर्ती में आपका एग्ज़ाम भी होगा। और जहाँ तक एग्जामिनेशन पैटर्न की बात है तो इसमें आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है दोस्तों। पहला पेपर आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, इस में आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का, इसमें भी आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे। चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों नंबरिकल एप्टीट्यूड, इसमें आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल चारों सब्जेक्ट्स में, और उसका ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का 2 घंटा। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो दोस्तों इसमें 236 वैकेंसी है। आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यदि आपकी एज 18 साल से 25 साल या 18 साल से 27 साल तक है पोस्ट वाइज, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपको। दोस्तों जहाँ तक लोकेशन की बात है तो उसका डिटेल मैं आपको नोटिफिकेशन से बताऊँगा। और आपको बता दूँ ये भर्ती एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 22 अप्रैल में प्रकाशित हो रखी है आज की डेट में, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको पोस्ट वाइज लोकेशन का नाम पता लग जाएगा। जहाँ तक कुक की पोस्ट की बात है तो इसमें न्यू दिल्ली की वैकेंसी है, बेंगलोर की है।
सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर सीसीआई की जो पोस्ट है वो बेंगलोर में है। एलडीसी की जो वैकेंसी है वो है दोस्तों जयगांव, ये जयगांव है दोस्तों या जलगांव है लेकिन इसमें जयगांव लिखा हुआ है। उसके बाद जालंधर की है, कालका की है, खपरेल्स की है तथा मुंबई की है, ठीक है, एलडीसी की पोस्ट। इसी प्रकार जहाँ तक दोस्तों ट्रेड्समैन मीट की पोस्ट की बात है तो इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें लोकेशन के नाम है दीमापुर, गैंगटॉक, जुटोग, खुनुमोआ, लीबोंग, लेह, लेमाखोंग, मसीमपुर, पठानकोट, पटान, शिकार यानी कि मसीमपुर, ताइवांग, जंगली, अम्बाला, अखनूर, बबीना, बेंगलोर, बीडी बरी, भुज, चांदी मंदिर, दिल्ली, दिल्ली कैंट तथा देवलाली। ट्रेड्समैन मीट की यहाँ पे और भी लोकेशन दे रखी हैं, जबलपुर की है, जालंधर की है, कानपुर की है, महाजन MFFR की है, मिसामरी की है, नारंगी की है, नारायण की है, पिथौरागढ़ की है, श्री गंगानगर की है, श्रीनगर की है तथा उधमपुर की भी इसमें वैकेंसी है। तो मेट की, ट्रेड्समैन मेट की टोटल 109 वैकेंसी है। अब बात करेंगे टिन स्मिथ की वैकेंसीज का लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों टिन स्मिथ की है अम्बाला में है, अमृतसर में है, गया में है, बीकानेर में है, हल्द्वानी में है, लुधियाना में है, रानीखेत में है तथा पठानकोट की है दोस्तों। और बार्बर की 3 वैकेंसी बेंगलोर की ही हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अन्य पोस्ट के लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो जहाँ तक दोस्तों एमटीएस चौकीदार की पोस्ट की बात है तो एमटीएस चौकीदार की पोस्टें हैं दोस्तों अम्बाला की है, बेंगलोर की है, देहरादून की है, महाजन MFFR की हैं तथा लुधियाना की है। जहाँ तक सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट की बात है तो इसमें लोकेशन के नाम है जबलपुर, मथुरा, पठानकोट, बेंगदूबी, खैप्रेल्स तथा कालका। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ तक व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट की बात है तो इसमें लोकेशन के नाम इस प्रकार से हैं। इसमें दोस्तों बेंगदूबी है, जयगांव है, खपरेल्स है, मिसामरी है, पुणे है दोस्तों तथा पठानकोट है, ठीक है। इसी प्रकार जहाँ तक क्लीनर की पोस्ट की बात है तो 5 की 5 वैकेंसियाँ कालका की हैं, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक पेंटर की पोस्ट की बात है तो बेंगलोर की है, मुंबई की है तथा पुणे की है। और जहाँ तक कारपेंटर की पोस्ट की बात है तो इसमें आप देख सकते हैं अहमदनगर की है, बेंगलोर की है, बीडी बरी की है, भुज की है, डलहौजी की है, दिल्ली की है, फतेहगढ़ की है, लखनऊ की है, श्रीनगर की है तथा योल की है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे फायर इंजन ड्राइवर की लोकेशन के बारे में तो इसमें लोकेशन का नाम बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ये सारी वैकेंसी है और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप आज की डेट से यानी कि 22 अप्रैल से ही अप्लाई कर पाएंगे और इसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों, लास्ट डेट है 12 मई 2023। ज़्यादा दोस्तों इसमें अप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं का, आपके पास सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, मार्कशीट की कॉपी लगानी है, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की कॉपी, प्रूफ ऑफ कास्ट की कॉपी आपको लगाना पड़ेगा यदि आप पे अप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आपको लगाने पड़ेंगे, दोनों के पीछे अपना नाम लिखना पड़ेगा बैक साइड में तथा अपने फादर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगला डॉक्यूमेंट है कि 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवेलप, उस पर आपको प्रॉपर स्टैम्प लगाने पड़ेंगे, पोस्टल स्टैम्प जो रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए सारे सर्टिफिकेट की, जो भी फोटोकॉपी आप भेजते हैं अपने सर्टिफिकेट की तो सब पे आपके सेल्फ सिग्नेचर होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो डुप्लीकेट में आपको भर के भेजना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे एड्रेस के बारे में। तो बेसिकली आपको अप्लीकेशन भेजनी है, 2 एड्रेसेस हैं, अलग अलग एड्रेसेस हैं अलग अलग पोस्ट के लिए,
तो जहाँ तक दोस्तों कुक की पोस्ट है, सीसीआई की पोस्ट है, एलडीसी की है, टिन स्मिथ की है, बार्बर की है तथा ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट की बात है, इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CSQ ASC सेंटर साउथ डैश 280C अग्राम पोस्ट बेंगलोर 7। और दोस्तों जहाँ तक MTS चौकीदार की पोस्ट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट है, क्लीनर की पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, पेंटर की तथा कारपेंटर पोस्ट के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CSQ ASC सेंटर नॉर्थ 180C अग्राम पोस्ट बेंगलोर 7। तो दोस्तों अपनी पोस्ट के हिसाब से, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन टू डिफरेंट लोकेशन में भेजनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म का दोस्तों मैंने लिंक दे रखा है, आप प्रिंट आउट करके आराम से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गाइज ये था आज की भर्ती का सॉ डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।